हाजी मस्तान, आपने ये नाम कहीं ना कहीं तो जरूर सुना होगा, फिर चाहे वो मूवीज में हो या किसी न्यूज़पेपर में या वीडियो में। हाजी मस्तान इंडिया का पहला अंडरवर्ल्ड डॉन था। ज्यादातर अंडरवर्ल्ड डॉन मुंबई से ही होते हैं। हाजी मस्तान या कहे सुल्तान हैदर मिर्जा मुंबई से ही था। मुंबई में कई सारे माफिया डॉन वजूद में आए, लेकिन उनमें से एक नाम ऐसा भी था जिसने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक नई पहचान दी और अंडरवर्ल्ड को अपना किंगडम बनाया। वो था हाजी मस्तान, हु वॉज द फर्स्ट अंडरवर्ल्ड डॉन ऑफ इंडिया। तो आज के इस वीडियो में आप सब यही जानोगे कि हाजी मस्तान कौन था, वो क्या क्या करता था और वो कैसे अंडरवर्ल्ड में इतना फेमस हुआ। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर देना। हाजी मस्तान कौन था? अगर आप ये सवाल किसी भी ऐसे इंसान से पूछोगे जो कि बॉम्बे से है, तो आपको बता देगा कि हाजी मस्तान ये था, ये करता था। लेकिन अगर यही सवाल आप किसी दूसरे इंसान से पूछोगे तो वो नहीं बता पाएगा। हाजी मस्तान एक गैंगस्टर और स्मगलर था, जो कि मेनली गोल्ड और इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो कि उस समय इंडिया में काफी महंगे थे, वॉचेस और सिल्वर स्मगल करता था। उसने अपनी जिंदगी में कभी भी ड्रग की स्मगलिंग नहीं की। लाइक उसका एक उसूल था कि कुछ भी हो जाए वो ड्रग्स, शराब और हथियारों की तस्करी नहीं करेगा। हाजी मस्तान ने अपने पूरे करियर में किसी की भी जान नहीं ली, मतलब उसने लोगों को पिटवाया है लेकिन कभी भी किसी की जान नहीं ली। हाजी मस्तान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उसके पिता हैदर मिर्जा पेशे से एक किसान थे, लेकिन उसके परिवार की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसलिए काम की तलाश में उसका पूरा परिवार मुंबई आ गया। उस समय हाजी मस्तान केवल 8 साल का था। वो एक साइकिल की दुकान पर एज ए मैकेनिक काम करता था। धीरे धीरे समय बीतने के बाद सुल्तान मिर्जा एक डॉकयार्ड पर एज ए कूली लग जाता है। बंदरगाह में जो जहाज आते थे उसमें सामान उतारना, उठाना, भरना, ये सब उसका काम था। वही उसकी एक बंदे से दोस्ती होती है। वो देखता है कि लड़का बहुत तेज है, होशियार है, तो उसे कहता है कि तू कुछ पैसे कमाना चाहेगा। तो वो पूछता है कैसे। इस पर वो बोलता है कि तुझे गोल्ड बिस्किट अपने कपड़ों में छुपाकर बाहर ले जाना है, बंदरगाह से बाहर, क्योंकि वहाँ पर कस्टम ड्यूटी वाले होते हैं। ये हाजी मस्तान का पहला स्मगल था। इसके बाद से वो स्मगलिंग में और भी एक्टिव होने लगा। कुछ समय बाद हाजी को एक अरब दोस्त मिला, उसका नाम था शेख मोहम्मद अल गालिब। शेख भी स्मगलिंग का ही काम करता था। शेख मोहम्मद अल गालिब हाजी मस्तान को ऑफर देता है कि साथ में काम करते हैं। इस पर हाजी मान जाता है और फिर ये दोनों मिलकर वापस से स्मगलिंग स्टार्ट करते हैं, जहां अल गालिब बाहर से सोना और बाकी के स्मगलिंग आइटम मुंबई लाता था और हाजी उसे बंदरगाह से बाहर पहुंचाता था। एक ऐसे ही खेप में मोहम्मद अल गालिब फंस जाता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन तब तक सोने की एक बहुत बड़ी खेप वो हाजी मस्तान तक पहुंचा चुका था। स्मगलिंग के चलते मोहम्मद अल गालिब को 3 साल की सजा होती है मुंबई में। 3 साल के बाद जब वो बाहर आता है तो मिर्जा से मिलता है और उससे मिलने के बाद मिर्जा उसे अपने घर ले जाता है। वहां पहुंचने पर अल गालिब को पता चलता है कि जो सोने का बॉक्स उसने मिर्जा को दिया था वो वैसा ही पड़ा है, उसे खोला तक नहीं गया। और वो उसे खोलता है, उसका सारा सोना जैसे का तैसा पड़ा था। वो सुल्तान मिर्जा की इस ईमानदारी पर खुश होता है और उसमें से आधा सोना मिर्जा को दे देता है। मिर्जा की जिंदगी यहीं से पलट जाती है, वो अचानक अमीर हो जाता है और तो अब वो स्मगलिंग में भी काफी माहिर हो चुका था। धीरे धीरे वो पूरे स्मगलिंग स्कैंडल को अपने अंडर लेने लगता है। धीरे धीरे वो और भी अमीर बनता जाता है, उसकी पावर और भी बढ़ती जाती है और वो इस मुकाम तक पहुंच जाता है कि मुंबई में होने वाली सारी स्मगलिंग उसी के अंडर होती थी। यही से सुल्तान हैदर मिर्जा मुंबई पर राज करना शुरू करता है। पैसे आने के बाद सुल्तान मिर्जा अपने शौक पूरे करने लगता है। उसे लंबी गाड़ियों का शौक था, तो सबसे पहले वो अपने लिए महंगी कार खरीदता है, एक पॉश एरिया में मकान लेता है और भी कई सारी चीजें करता है। सुल्तान मिर्जा को फिल्मों का काफी शौक था। उस समय अराउंड 50s, 60s और इवन 70s के समय तक के सारे एक्टर सुल्तान मिर्जा को जानते थे, जैसे कि धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार और भी कई सारे एक्टर्स। ये कहा जाता है कि सुल्तान मिर्जा को मधुबाला से प्यार था और वो मधुबाला जी से शादी करना चाहता था, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो पाया क्योंकि मधुबाला जी ने सुल्तान मिर्जा को मना कर दिया। तो सुल्तान मिर्जा का ये प्यार एक तरफा ही रहा। इसी बीच फिल्मों में एक नई लड़की नजर आई जो कि हूबहू मधुबाला जैसे ही दिखती थी। उसका नाम सोना था। सोना थोड़ी बहुत मधुबाला जैसी दिखती थी, तो हाजी मस्तान को उससे भी प्यार हो गया। हाजी मस्तान ने सोना की कई सारी फिल्मों को प्रोड्यूस किया जिसमें से ज्यादातर फ्लॉप ही गई। आखिर में मस्तान मिर्जा ने सोना से शादी कर ली। इसी के बीच हाजी मस्तान का कद और उसकी पावर बढ़ती गई। एक तरह से वो मुंबई का डॉन हो गया था जो कि मुंबई के सारे इलीगल कामों को कंट्रोल करता था। इसी के बीच करीम लाला जो कि हाजी मस्तान का प्रतिद्वंद्वी था वो भी थोड़ा ठंडा पड़ने लगा। फिर कुछ नए गैंग मुंबई में आने लगे जैसे कि पठान ब्रदर्स और दाऊद इब्राहिम। कहने का मतलब यह है कि हाजी मस्तान उस समय लगभग पूरी मुंबई को ही कंट्रोल करता था। उस समय की बड़ी बड़ी गैंग हाजी मस्तान को अपना गुरु मानते थे क्योंकि हाजी मस्तान ने ही इनको बनाया था। इसी के बीच हाजी
मस्तान कभी गिरफ्तार नहीं हुआ। उसके खिलाफ पुलिस में एक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। उसकी एक वजह ये भी थी कि सुल्तान मिर्जा पुलिस और कस्टम ड्यूटी ऑफिसर्स को पैसे देकर खरीद लेता था, और जो ईमानदार थे, जो रिश्वत नहीं लेते थे, उनका हाजी मस्तान ट्रांसफर करा देता था। साल 1974 में महाराष्ट्र के एक मंत्री के प्रेशर में आकर हाजी मस्तान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन उसे जेल में नहीं डाला गया, बल्कि उसे कोल्हापुर के एक गेस्ट हाउस में रखा गया था, जहां उसके ऐशो आराम का सारा सामान था। वहां पर हाजी मस्तान को जो जो चाहिए होता था, वहां पर वो सब था, बढ़िया खाना, सिगरेट, सिगार, शराब वगैरह वगैरह। लेकिन इसके ठीक एक साल बाद ही प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इमरजेंसी लगा देती है। इमरजेंसी लग जाती है तो कई नेताओं की गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है। इसी बीच सुल्तान मिर्जा कई नेताओं की मदद करता है गिरफ्तारी से बचने में, और इसी के चलते मस्तान मिर्जा को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाता है। जेल जाने के बाद पहली बार मस्तान मिर्जा की मुलाकात जयप्रकाश नारायण से होती है। जेपी सर उस समय मुंबई के ही जेल में थे। उस दौरान करीब 18 महीने तक जेपी और मस्तान मिर्जा एक साथ जेल में बंद थे, और इन्हीं 18 महीनों ने मस्तान मिर्जा को बदल दिया। उस बदलाव की सबसे बड़ी वजह जयप्रकाश नारायण को माना जाता है। कहते हैं कि जेपी ने उस जेल में मस्तान मिर्जा को कसम खिलाई थी कि तुम कोई ऐसा काम नहीं करोगे जो कि तुम्हारे देश के खिलाफ हो। मिर्जा ने भी कसम खाई कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। फिर 18 महीने बाद जब इमरजेंसी खत्म हुई, जेपी और मस्तान मिर्जा रिहा हुए, तब चुनाव हुआ और उस चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई। 1980 में जब मस्तान मिर्जा बाहर आता है तो उसने जो वादा जेपी को किया था उसे पूरा करने के लिए सुल्तान मिर्जा हज यात्रा पर जाता है। हज करने के बाद मस्तान हैदर मिर्जा का नाम बदल जाता है और लोग उसे हाजी मस्तान के नाम से जानने लगते हैं। हज से वापस आने के बाद हाजी मस्तान एक पॉलिटिकल पार्टी का गठन करता है। उस समय महाराष्ट्र में एक दलित नेता थे जोगिंदर कावड़े, उनके साथ मिलकर हाजी मस्तान दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ नाम से एक पार्टी शुरू करता है। बाद में जाकर 1990 में इस पार्टी का नाम बदलकर भारतीय अल्पसंख्यक महासंघ कर दिया गया। तो खैर ये पार्टी तो चली नहीं, लेकिन इसी बीच दाऊद इब्राहिम लगातार हाजी मस्तान के लिए काम कर रहा था। उस समय के दौरान मुंबई में दाऊद, छोटा राजन, अरुण गवली ये सब उभर रहे थे, और ये भी कहा जाता है कि हाजी मस्तान के उत्तराधिकारी के तौर पर दाऊद को समझा जा रहा था। लेकिन हाजी मस्तान के 2-3 रूल थे, उसूल थे, जैसे कि अगर आप स्मगलिंग करोगे तो उसमें ड्रग्स नहीं होगा, हथियार नहीं होगे, लेकिन दाऊद को ये मंजूर नहीं था। इसलिए कुछ समय बाद दाऊद हाजी मस्तान की गैंग को छोड़ देता है और अपनी खुद की नई गैंग बनाता है। और फिर जो हाजी मस्तान ने नहीं किया, जैसे कि ड्रग्स हो, हथियारों की स्मगलिंग हो, मर्डर, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सब दाऊद ने किया। जैसे ही हाजी मस्तान की पकड़ ढीली हुई, वैसे ही अंडरवर्ल्ड का चेहरा बदल गया। सड़क पर खुलेआम गोलियां चलने लगी, गैंग वॉर स्टार्ट हो गए, कई सारे मासूम लोग भी इसमें मारे गए। RDX से लेकर AK-47 तक की स्मगलिंग मुंबई में शुरू हो गई। तो इन सारी चीजों ने हाजी मस्तान की गैंग का चेहरा बिगाड़ कर रख दिया। अपने जिंदगी के आखिरी साल हाजी मस्तान ने अपने परिवार के साथ बिताए, और फिर 25 जून 1994 को हाजी मस्तान की हार्ट अटैक के कारण मौत हो गई। हाजी मस्तान की मौत के बाद उसके जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बनी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, जिसमें अजय देवगन हाजी मस्तान यानी सुल्तान मिर्जा के रोल में थे। ऐसा कहा जाता है कि हाजी मस्तान ने अपने पूरे अंडरवर्ल्ड के करियर में किसी को भी नहीं मारा, मतलब उसने लोगों को पिटवाया लेकिन कभी भी किसी की जान नहीं ली। अब यह सच है कि नहीं ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन हाजी मस्तान की मुंबई में एक रॉबिनहुड वाली इमेज थी। लोग उसके घर आते थे अपनी फरियाद लेकर, और हाजी मस्तान उनकी मदद भी करता था। खैर आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। गुड बाय।